हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेना ट्यूटर्स। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू स्टोरी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर। वीडियो में बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। क्लास 5 पोएम आइसक्रीम मैन। चिल्ड्रन, हम सबको आइसक्रीम कितनी पसंद है, और जब बहुत गर्मी होती है और आइसक्रीम वाला हमारी सड़क पे आ जाता है तो मज़ा ही कुछ और होता है, और ख़ास तौर से उसके पास बच्चों की बहुत भीड़ जमा हो जाती है। देखिए कितनी कलरफुल सी इसकी कार्ट है, इसकी ठेली है, एक अम्ब्रेला है, और कितनी यमी चॉकलेट्स इसके अंदर भरी हुई हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल पोएम। व्हाट इज कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट, बताओ। इतना मीठा, इतना ठंडा और इतना क्रीमी क्रीमी और इतना मज़ेदार खाने में क्या होता है। Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. हर किसी की पार्टी के लिए बेस्ट चीज़ होती है समर में ठंडी ठंडी आइस क्रीम। And everyone's favorite person might just be the ice cream man. और हर किसी का फेवरेट पर्सन कौन होता है, आइस क्रीम मैन, क्योंकि वो ही इतनी टेस्टी आइसक्रीम्स लेके आता है। Let's begin the poem. When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. जब गर्मी बहुत हो जाती है, शहर में गर्मी ही गर्मी है और चारों तरफ गर्मी का माहौल है। Breaks a blaze of heat means तेज गर्मी जब बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, और तब आते हैं हमारे आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी ठेली लेकर, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, लुढ़कते फुड़कते मीन्स ऊंचे नीचे पत्थरों पे चढ़ाकर और एडजस्ट करते हुए अपनी जो लॉली कार्ट है उसको लेकर हमारी सड़कों पर फिरता है। बेनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, उसका जो गोल अम्ब्रेला है जो उसकी लॉली कार्ट के ऊपर लगा है उसके नीचे कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। जॉयफुल साइट मीन्स ब्यूटीफुल नज़ारा। टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स, जब वो कोन्स लेता है, चॉकलेट कोन्स या आइसक्रीम कोन्स लेता है और उन पे पहाड़ बनाता जाता है, वो अंदर से डालता है ना वो स्कूप्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, ठंडी ठंडी ब्राउन और वाइट क्रीम के जब वो पहाड़ बना के मेरे आइसक्रीम कोन के ऊपर देता है तो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा होता है। वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, कितनी वैरायटी है, देखो वेनिला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, फिज होता है जब झाग आ जाते हैं, बॉटल को हम शेक करते हैं तो ये है जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में कुछ फिजी फिज हो जाता है, तब ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक, इतनी वेरायटी की उसके पास कोल्ड ड्रिंक्स भी है, ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक। His cart might be a flower bed. ऐसा लगता है उसका जो cart है, उसकी जो ठेली है, वो एक बगीचा है of roses and sweet peas, जिसमें अलग अलग गुलाब खिले हुए हैं, अलग अलग तरीके की मटर है, means रंग बिरंगा। The way the children cluster around, cluster means झुंड बना के जब उसके चारों तरफ फैल जाते हैं, ऐसा लगता है as thick as honey bees. So बच्चों का झुंड उसकी तरफ ऐसे चिपक जाता है जैसे मधुमक्खी का छत्ते के ऊपर मधुमक्खियाँ चिपक जाती हैं। सो ब्यूटीफुल पोएम कंपोज बाय रेचल फील्ड, कि कितने ही इंटरेस्ट आता है, कितना ही मज़ा आता है, कितना ही प्यारा नज़ारा होता है जब तेज़ गर्मी के सीज़न में आइसक्रीम वाला अलग अलग रंग बिरंगी ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेके आता है।